मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए आज का संपूर्ण राशिफल लेके। ये राशिफल है गुरुवार यानी कि 19 मार्च 2020 का। अगर हिंदी कैलेंडर यानी कि अपने पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 चैत मास कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि। दसवीं तिथि आज सुबह के 7:08 तक रहेगा, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज रहने वाला उत्तरासढ़ा जो कि शाम के 5 तक रहेगा, उसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्रत त्यौहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हम जानने वाले हैं कुल 12 राशियों का आज का राशिफल। साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय, अशुभ समय, दिशाशूल, शुभ खाद्य, भाग्यवर्धक उपाय, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए आज शुभ रहेगा और राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए आज शुभ रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण राशिफल का लाभ उठावें। मित्रों अगर आपको आज का संपूर्ण पंचांग भी जानना है तो उस पर भी अब वीडियो आने लगा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आई बटन में भी उसका लिंक है, वहां से जाके आप आज का विस्तृत और संपूर्ण पंचांग देख सकते हैं। मित्रों अगर आपको अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरण लिख के दें, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान ठीक इसी प्रकार से, ताकि हम आपकी कुंडली को देख पाएं और आपको बता पाएं कि आपकी सही राशि क्या है और आप भी उसी हिसाब से अपना सटीक राशिफल हर रोज धर्म शिक्षा चैनल पर देख पाएं। मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये राशिफल का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हों तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं, उससे पहले आइए जानते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। आज शुक्र मेष राशि में, राहु मिथुन राशि में, मंगल गुरु केतु के साथ धनु राशि में, चंद्रमा शनि के साथ मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में, सूर्य आज मीन राशि में। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिजाज हाल आज के राशिफल में हम जानने वाले हैं। अगर आपको हमारा आज का ये राशिफल का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। आइए अब जानते हैं पहली राशि मेष राशि को। मेष राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। साथ ही आपके कोई परिजन जो कि आपके अपने हैं आपसे किन्हीं बातों से भी नाराज या मनमुटाव उनका हो सकता है। आज अपने वाहन को बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना की संभावना बन रही है। आज आपकी भावनाएं आप पर हावी हो सकती है, जिससे आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, जो भी करें बिल्कुल सोच समझ कर ही करें। नए वाहन खरीदने का मन आपका बन सकता है, मकान या भूमि का सुख भी मिलेगा। जो जातक खेलकूद से संबंध रखते हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। महिला जातकों के लिए आज उन्नति का अच्छा अवसर भी बनेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की तो व्यापारियों के लिए आज का सामान्य रहने वाला है, निवेश करेंगे तो फायदे में भी रहेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं, महिला जातकों के आय में आज वृद्धि भी होगी। बात करेंगे विद्यार्थी की तो जो तक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का समय अच्छा रहने वाला है, उनको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपके सिर में थोड़ा दर्द रह सकता है, कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा भी रहेगा। आज के दिन मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग येलो लाइट कलर। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा आज 5वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आप घर तथा ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज आपका ज्यादातर समय आपके शुभचिंतकों के साथ बीतेगा। जो भी आपके शुभचिंतक हैं आपका भला चाहते हैं उनके साथ बीतेगा। किसी से आज आपको कुछ उपहार भी मिल सकता है। कहीं यात्रा पर जाने के योग भी बन सकते हैं किसी पर भी आज, लेकिन अपनी बात थोपने की कोशिश ना करें, यहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करेंगे व्यापार और धन की तो आज आपको व्यापार में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। बड़े निवेश करने से बिल्कुल बचें। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी बन रही है। उच्च पद की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, आपकी आय में वृद्धि भी हो सकती है। बात करेंगे विद्यार्थी की तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है, मेहनत करें सफलता की प्राप्ति भी आपको होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट संबंधी कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो अपने भोजन पर ध्यान दें।
खास करके मसालेदार खाने और बाहर के खाने से बचें। जो भी चीज़ें खाने से आपका पेट खराब रहता है या दिक्कत रहती है, उन चीज़ों को खाने से आज बचें। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन आपका अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और प्यार आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी आज बनेंगे। आज के दिन का हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग पीला रंग। बात करें मिथुन राशि की, मिथुन राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके कोई राज सार्वजनिक हो सकते हैं, तो सचेत रहें। आज किसी पर आक्रामक होने के बजाय बिल्कुल शांति से काम लें। आपके दोस्तों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। परिश्रम ज्यादा आपको करना पड़ सकता है। आज वाहन को चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बात करें व्यापार और धन की, तो आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। बच्चों से जुड़े मामले में अगर आज पॉजिटिव रहते हैं आप, तो आपको फायदा वहां से होगा। व्यापार में आज आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को आज सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। जो विद्यार्थी कॉमर्स के फील्ड के हैं, उन्हें मेहनत से ज़्यादा फल की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो महिला जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहना होगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी को समय दे पाएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा भी रहेगा। आज के दिन गेहूं से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग मैरून रंग। बात करेंगे कर्क राशि की, कर्क राशि में चंद्रमा आज सातवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आप अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। आज आप पर काम का लोड ज़्यादा रह सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, यह क्रोध आपको हानि भी करा सकता है। बेरोजगार जातकों को किसी मित्र के सहयोग से आज नौकरी लग सकती है। परिवार के किसी विशेष चिंता का समाधान संभव है, बस जरूरत है उस पर ध्यान देने की। सरकारी कार्यों से भी आपको आज सफलता मिल सकती है। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार में नई योजना बन सकती है जिससे आपको फायदा होगा। आज आप लेन देन में सावधानी बरतें। अगर निवेश करना हो तो निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें। जो भी अनुभवी और शुभचिंतक लोग हैं आपके, उनकी सलाह एक बार जरूर लें। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में कम लगेगा। कुछ विद्यार्थी आज अपने परीक्षा परिणाम से असहमत भी रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी रह सकती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज जीवन साथी से कुछ अनबन की संभावना बन रही है, तो अपने आप पर नियंत्रण रखें, संबंध अच्छे बना के रखें। आज के दिन तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग। बात करेंगे अब सिंह राशि की, सिंह राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप बात करने की आपकी कला से आपके रुके हुए और बिगड़े हुए काम आज बन सकते हैं। सीधी बात कहेंगे तो आपको फायदा भी होगा। नए कामकाज की प्लानिंग भी हो सकती है। आज के दिन अगर किसी दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर करते हैं तो सोच समझ कर करें। परिवार या फिर पैसे से जुड़ी हुई परेशानियां भी आ सकती है। मन में घबराहट रह सकती है। विवादों से आपको बचना चाहिए। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार में आज उतार चढ़ाव आ सकता है। खर्च आपका बढ़ सकता है, साथ ही पैसे की दिक्कत भी बनी रह सकती है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज कुछ सीखने का अच्छा अवसर बनेगा। वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक अशांति बनी रह सकती है। किसी प्रकार की आपको चिंता भी रह सकती है, साथ ही थकान और आलस्य भी बना रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका दिन आज अच्छा बीतेगा। जीवन साथी से प्यार और सम्मान भी आपको मिलेगा। आज के दिन गुड़ अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग पीला रंग। बात करेंगे अब कन्या राशि की, कन्या राशि में चंद्रमा आज नौवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और आप इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर पाएंगे। आसपास के लोग इसी वजह से आपकी तारीफ भी करेंगे। काम करने के जगह के विषय में आपका बदलाव का मन आज हो सकता है। जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उनमें बदलाव का मन आपका हो सकता है। आपका पूजा पाठ में भी आज मन लगेगा। वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। आज आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। जो ज्यादा कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार या नौकरी में आपको आज फायदा होगा। कहीं अगर आपने अपने पैसे निवेश कर रखे हैं तो वहां से भी आपको फायदे आज हो सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज कहीं अच्छा रहने वाला है। कुछ अध्ययन करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपेक्षाकृत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। सांस से संबंधित कुछ परेशानी स्वास्थ्य में आपको आ सकती है। मौसमी रोग होने की संभावना बन रही है, तो
बिल्कुल मास्क लगा कर रखें, आजकल तो ऐसे ही कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा हुआ है, तो अपना ध्यान रखें। आज आप मानसिक शांति का भी अनुभव करेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है। जो जातक अविवाहित है उनके लिए विवाह का प्रस्ताव या विवाह का योग बनने वाला है। आज के दिन अगर दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग। बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि में चंद्रमा आज दसवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आपकी रहन सहन की स्थिति में सुधार आ सकता है। कुछ सामाजिक कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। आज अपना काम आप जितने भी विनम्रता से करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी से भी वाद विवाद आपके हो सकते हैं। साथ ही आपके यहाँ किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है। आपके बच्चों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। लंबी यात्रा करने से बचें। व्यापार और धन की बात करें तो आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही खर्च भी आपके बढ़ेंगे। आपके बचाए हुए पैसों में भी कमी आ सकती है। आज विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को थकान और आलस्य महसूस हो सकता है। इन दोनों पर विजय पाने की कोशिश करें, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट संबंधी छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित रह सकते हैं। गैस हो सकता है तो बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के प्रति ज़्यादा समय देने की कोशिश करें, उनके साथ घूमने जाएं, ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें, इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के दिन उड़द की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाइट येलो कलर। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। तो आपस में सामंजस्य बनाए रखें। मित्रों का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। आज आप अपने मन की बात किसी से शेयर ना करें। आज हो सकता है आपकी गतिविधियों पर कोई और भी नज़र रख रहा हो, तो सावधान भी रहें। अपनी हर रोज की आदतों से बचें भी। माता पिता का भी आज आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। बात करेंगे व्यापार और धन की तो नौकरी करने के वाले लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ मिलेगा। आपका आर्थिक बजट थोड़ा डगमगा सकता है, तो अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। आज अपने खर्च पर नियंत्रण आपको रखना ही होगा, क्योंकि ज़्यादा खर्च के भी योग बन रहे हैं आपके। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगेगा। जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ति भी जरूर होगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन मिलजुल रहेगा। जीवन साथी से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, तो आज के दिन थोड़ा संभल कर रहें, मधुर वाणी बोलें और विवादों से बचें भी। शुभ खाद्य की बात करें तो आज अगर चांदी के बर्तन में खीर खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग। बात करेंगे धनुराशि की। धनुराशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज के दिन आप अपने कैरियर में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं। आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाले दिनों में सफलता की प्राप्ति भी करा सकता है। जो जातक मकान या भूमि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं उनकी खोज आज पूरी हो सकती है। आज पूरे दिन आप अपने पारिवारिक काम में भी व्यस्त रह सकते हैं। धार्मिक कार्य और पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आज आपको आपके मित्रों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। बात करेंगे व्यापार और धन की तो कहीं पैसे निवेश करते समय आज के दिन थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो कहीं भी अगर निवेश करना हो तो निवेश नियोजित ढंग से ही करें। बड़े बुजुर्गों से सलाह और मशवरा करने के बाद ही करें। आज के दिन खर्च आपके बढ़ सकते हैं, साथ ही जमा किए हुए पैसों में भी कमी आ सकती है, लेकिन आय के स्रोत में बढ़ोतरी भी संभव है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी का अपने बीते हुए समय में जितना भी मेहनत किए होंगे उसका फल आपको मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उनका स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है, तो उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कुछ हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य भी हो जाएगा। आज के दिन अगर दूध से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग केसरिया रंग। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनको अपने बड़े अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आप मधुर वाणी बोलिए, मीठा बोलिए, आपके सारे काम बनते रहेंगे। आज के दिन आपको अपने पिता का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपका मनोबल भी बना रहेगा। आज आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखें, किसी से भी अपने दिल की बात शेयर ना करें, खास करके ऐसी कोई बात जो आपको हानि पहुंचा सकता हो। व्यापार और धन की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से आज के दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज नए व्यापार के लिए भी अच्छा दिन है। व्यापार में आपको लाभ होगा, आमदनी बढ़ेगी, साथ ही बचत भी आपकी आज बढ़ेगी। आज आपको आय के नए स्रोत विकसित करने में भी सफलता की प्राप्ति होगी।
नए वस्त्र और आभूषण खरीदने के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा नकारात्मक रह सकता है, आपको आलस्य और निंद्रा आ सकती है, तो आलस्य और निंद्रा का त्याग कर इन दोनों पर विजय पाएं और अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो पति पत्नी के बीच आज किसी प्रकार की गलतफहमी दूर हो सकती है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। आज के दिन केला अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग भगवा रंग। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बन सकते हैं। आपकी कोई महत्वाकांक्षा आज पूरी हो सकती है। आज के दिन अपने कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, किसी फालतू के काम के कारण भी आपका समय आज बर्बाद हो सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अपना समय अपने कार्य क्षेत्र में ही लगाएं। आपके लिए स्थिति आज अनुकूल ऐसे भी है तो अपना बिल्कुल ध्यान जो है अपने कार्य क्षेत्र में लगाएं। अपने कार्य क्षेत्र में लगाकर अपना काम करें, आपको सफलता मिलेगी। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में जोखिम लेने से आपको थोड़ा बचना चाहिए। किसी को अगर आपने पैसे उधार दे रखे हैं तो वहाँ से पैसे आपको आज मिल सकते हैं। जो ज़्यादा दलाली का काम करते हैं उन्हें आज पैसे का नुकसान हो सकता है। आज आपका खर्च आपके आय से अधिक हो सकता है, तो अपने खर्च पे बिल्कुल नियंत्रण रखें। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। मेहनत से कम आपको सफलता की प्राप्ति होगी, फिर भी मेहनत में कोई कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो किसी पुराने रोग से आपको छुटकारा मिल सकता है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के व्यवहार से सावधान रहें, अचानक से कोई प्रतिक्रिया ना दें, रिश्तों में इससे खटास भी उत्पन्न हो सकती है। आज के दिन अगर हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग हल्का आसमानी रंग। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आपको कार्यों में सफलता की प्राप्ति भी होगी। ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। आज अगर आप अच्छी योजना बनाकर कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। आज जो भी कार्य करें बिल्कुल धैर्यपूर्वक करें, दिन भर में आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान की तरफ से भी कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आज अगर घर में कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार और धन की बात करें तो आय के स्रोतों में आपकी बढ़ोतरी होगी, नौकरी में भी तरक्की की संभावना बनेगी, लेकिन साथ ही ऑफिस में लड़ाई झगड़े की संभावना भी बन रही है। वाद विवाद से बिल्कुल बचें। वस्त्रों के खरीद में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका परिवार में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। विद्यार्थी की बात करें तो जो तक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का समय अच्छा रहने वाला है, उनको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें, आज आपके जीवन साथी ज़्यादा भावुक भी हो सकते हैं। आज के दिन चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग केसरिया रंग। तो मित्रों, ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि गुलिक काल रहने वाला है दिन के 1:59 से लेकर दोपहर के 3:30 तक। इस समय में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहने वाला है सुबह के 9:27 से लेकर सुबह के 10:28 तक। इस समय में किए गए कार्य असफल रहते हैं, तो इस समय में कोई नया कार्य करने से बिल्कुल बचें। दिशाशूल रहने वाला है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा बिल्कुल ना करें। शुभ खाद्य आज का रहने वाला जीरा। जीरे का 1-2 दाना खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, आपके कार्य बनेंगे। मित्रों, अब जान लेते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। मित्रों, आज के भाग्यवर्धक उपाय में मैं आपको एक वास्तु टिप्स देने वाला हूं। जब भी घर बनाएं तो ये सुनिश्चित जरूर करें कि मुख्य द्वार के सामने या उसके पास में ही रसोई घर नहीं होना चाहिए। अगर पहले से ही रसोई घर है, पहले तो जानते हैं अगर हो रसोई घर तो क्या नुकसान होता है। इससे आपसी सामंजस्य नहीं रह पाता घर के जो भी परिवार के सदस्य रहते हैं। अब अगर आपका पुराना घर है और मेन गेट के सामने ही किचन है या मेन गेट के जस्ट बगल में ही किचन है तो क्या करें। तो आपको क्या करना चाहिए, मेन गेट पर जो भी अपना किचन है, किचन के मुख्य द्वार पर पर्दा एक लगा दें और जब भी खाना बनाएं उस समय पर्दा हटाएं, बाकी समय में पर्दा लगे रहने दें। इससे वास्तु दोष को मिटा सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।